हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जीविका का एक फिर न्यू वीडियो लेके आ रहा हूं, जिस वीडियो में बात करने वाला हूं कि गाइडलाइंस आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो जैसे कि सभी को पता है कि इससे पूर्व में जो BRLPS का ज्वाइनिंग हुआ था उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगा था और अभी के दौर में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या अपडेट दिया गया, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आपको जो ज्वाइनिंग शेड्यूल का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वह भी आप लोग देख लीजिए। ज्वाइनिंग अगर करना चाहते हैं किस ज़िला में आपको हुआ, तो यहाँ से ज्वाइनिंग शेड्यूल पे आप क्लिक करके अपना देख सकते हैं किसको किस ज़िला में दिया गया, और गाइडलाइंस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि गाइडलाइंस में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ज्वाइनिंग गाइडलाइंस को आप यहाँ से क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। जैसे ही इसको डाउनलोड कीजिएगा तो ज्वाइनिंग के लिए आप देख रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक से आपको लेकर यहाँ के देखिए आप 16-17 तक का डॉक्यूमेंट चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मैं इसको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपको लास्ट में दिया गया था, चाहे इंटरव्यू हो चाहे इंटर्नशिप हुआ हो, तो विलेज इंटर्नशिप हुआ हो तो उसके वो जो आप लोग को एडमिट कार्ड दिया गया था वो एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद कॉपी फॉर एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रिंट आउट किए थे वो एप्लीकेशन, आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन कार्ड जो होता है, जो आपको इलेक्शन में देता है, पासपोर्ट सी नंबर में देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस डी नंबर में देखिए, फोन बिल पे देखिए, राशन कार्ड देखिए। उसके बाद इतना में से आपको किसी कोई भी कार्ड हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पैन कार्ड तो आपको अनिवार्य चाहिए। उसके बाद देखिए आपको परमानेंट जो कहता है एड्रेस प्रूफ, आपको डोमिनियल सर्टिफिकेट जो होता है, स्कूल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है शुरुआती, वह चाहिए। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र होता है तो वह भी चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में सेम लिस्ट के लिए आपको पेपर 3 देना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोटो आपको कह रहा है 2-0, लेकिन फ़ोटो आपको कम से कम 6 पीस बना लेना है ताकि वहाँ पे और भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है। और कास्ट में देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनाते हैं SC ST BC EBC EWS दिव्यांग फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे आप बिहार स्टेट कैटेगरी कैंडिडेट, तो कास्ट आप चाहे प्रखंड हो चाहे आपको अनुमंडल से हो या जिला से हो, लेकिन आप जो कास्ट पहले लगाए थे और जो बना के दिए थे, चाहे प्रखंड चाहे आपको ब्लॉक से, तो वह सर्टिफिकेट लगाइए बना के। आपको जो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के अंतर्गत देखिए वह भी चाहिए। डोमिनिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको कैटेगरी वाइज करना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होता है, मार्कशीट जो होता है वह सारा चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको निश्चित तौर से चाहिए, हार्ड कॉपी प्लस पेपर में। लास्ट ऑप्शन है आपको 3 जो सैलरी स्लिप होता है, ये आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनाने का। आपके पास जॉब नहीं है तो आप सैलरी स्लिप क्या दीजिएगा, जिसके पास जॉब था पहले में जो AC में हुआ है और उसको CC का जॉब था तो उसको सैलरी स्लिप चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो होता है 3 मंथ का कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज़रूर चाहिए। उसके बाद MBBS का चाहिए कि उसके बाद सर्टिफिकेट का मार्क्स एंड जो सोशल डिस्टेंट होता है आपको सारा चाहिए, और जो भी प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट के आधार से, तो दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें। सिलेक्शन प्रोसेस आपको फाइनली हो जाएगा। अब जिसका डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड रहेगा, डॉक्यूमेंट में कोई भी परेशानी नहीं हुआ, सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तब जाके उसको क्या कहते हैं फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो आप डॉक्यूमेंट को एक बार बढ़िया से पढ़िए और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए वो आप ज़रूर बनवा लीजिए। मैं आपके लिए सारा प्रक्रिया कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो फिलहाल आप लोग देखिए किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस प्रखंड से हैं। मैं वहाँ तक का वैकेंसी
आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।